एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन 5 देखिए यहाँ क्या दिया है। फाइंड द स्लोप टू द नॉर्मल टू द कर्व x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा एट थीटा इज इक्वल टू पाई बार 4। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, नॉर्मल निकालना है, सॉरी स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला क्या होता है, दैट स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन dy बाय dx। तो ये है फॉर्मूला ऑफ स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, इस फॉर्मूले में रखेंगे आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल जाएगा। तो सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। आप यहाँ पे देखिए एक्स जो है थीटा के टर्म्स में दिया है, वाई भी थीटा के टर्म्स में दिया है। यहाँ थीटा वेरिएबल है, ध्यान रखना थीटा वेरिएबल है, ए कॉन्स्टेंट है यहाँ। तो ये पैरामीट्रिक इक्वेशन यहाँ पे बन रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डी वाई बाई डी थीटा निकालते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी बाई डी थीटा ऑफ ए साइन क्यूब थीटा, और ये हो जाएगा सिंपली थ्री ए साइन स्क्वायर थीटा। फिर साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस, ये हो गया कॉस थीटा। अब हम निकालेंगे डी एक्स बाई डी थीटा विच इज इक्वल टू डी बाई डी थीटा ऑफ ए कॉस क्यूब थीटा। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो थ्री ए कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर कॉस थीटा का हो गया माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो अब हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स होगा डी वाई बाय डी थीटा होल डिवाइडेड बाय डी एक्स बाय डी थीटा। तो इसको आप डिवाइड कर दो ये दोनों को, तो थ्री ए साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय, यहाँ माइनस भी आ जाएगा, थ्री ए कॉस स्क्वायर थीटा एंड साइन थीटा। अब होगा क्या, एक साइन से ये साइन कट जाएगा, एक कॉस से ये कॉस कट जाएगा, थ्री ए से थ्री ए कट जाएगा, बच क्या जाएगा डी बाय डी वाई बाय डी एक्स। अब मिलेगा आपको सिंपली साइन और कॉस बचेगा, साइन अपॉन कॉस हो गया टेन, और माइनस साइन है तो माइनस टेन थीटा। ठीक है, तो ये क्या निकला, ये डी वाई बाय डी एक्स निकला, बट हमें निकालना है स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया माइनस वन अपॉन डी वाई बाई डी एक्स यानी माइनस टेन थीटा। तो सिंपली ये हो गया वन अपॉन टेन थीटा। अब ये स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4। तो एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू, देखिए टेन पाई बाय 4 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 अपॉन 1 तो 1 ही हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया 1।